खैर इसे काम मजिस्ट्रेट कॉलोनी रहते हैं अपना मजिस्ट्रेट कॉलोनी व्यासनगर। सत्यम 12th का छात्र। हाँ पुलिस तो क्लियर बोली कि कोई जरूरत नहीं है, लड़का है इसलिए ढूंढने की जरूरत नहीं है, लड़की वीर कभी किसी से बोलते कि पैसा लेके भाग गए, कभी किसी से बोलते कि मैथ का पेपर अच्छा नहीं है इसलिए भाग गए, सीएसपी के पास गए, सांसद के पास गए, विधायक के पास गए, सभी लोगों ने फोन किया थाने में। थानेदार बोल रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैंक केस है, ब्लाइंड केस है, जब तक कोई क्लू नहीं मिलता हम क्या कर सकते हैं। कल भी बात हुई थी थानेदार साहब से। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं तनुज मासूम। पूरा देश कोरोना का दंश झेल रहा है, इस कोरोना के बीच एक माँ की करुणा को सुनने वाला कोई नहीं। इस माँ का बेटा जो 12th का छात्र था, श्रेयांश उर्फ सत्यम, पिछले 2 सप्ताह से अपने घर से गायब है। घर से निकला था परीक्षा देने, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने, लेकिन वर्तमान के अंधेरे में कहीं गुम हो गया है। मामला पटना के राजीव नगर थाने से जुड़ा है। एक बच्चा 12th का गायब हो गया है और पुलिस का इस बीच इनका आरोप है कि काफ़ी शर्मनाक बयान आया है। पुलिस का कहना था कि बच्चा घर से कहीं अपने आप भाग गया होगा, थोड़े दिन में वापस आ जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा इसलिए भाग गया, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया होगा। हमारे साथ माँ है उस बच्चे की, 12th में पढ़ता था, श्रेयांश उर्फ सत्यम। मैम कहाँ रहती हैं आप? बोलो। चुप हो जाए, अभी काफ़ी पूरा देश रो रहा है, आपकी अलग करुणा है, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, लेकिन धैर्य से काम। मजिस्ट्रेट कॉलोनी रहते हैं अपना? मजिस्ट्रेट कॉलोनी व्यासनगर। सत्यम 12th का छात्र था। हाँ। कैसे वो घर से कब निकला था, क्या बोल के निकला? 8:30 बजे पेपर करने गया था, मैथ का पेपर था उस दिन, आखिरी मैथ का पेपर था। हाँ। उसके बाद वो घर नहीं लौटा, कुछ पता चला कहाँ गया होगा कुछ इस तरह का, या कुछ उसके सामान कुछ बोल के गया हो या कुछ ऐसा? नहीं, उसको घर जाना था, मसौड़ी अपने घर जा रहा था। उसके बाद फ़ोन किया था कि मसौड़ी जा रहे हैं, हम लोग मना किए मत जाओ, तो फ़ोन करके बोला कि ठीक है आ रहे हैं, यहीं आने के लिए। उसके बाद फिर कुछ पता नहीं चला, उसके बाद उसका फ़ोन बंद आया, फ़ोन उसके बाद पूरा बंद ही आ रहा है। उस एग्ज़ाम सेंटर पर पता करने की कोशिश किए होंगे जहां वो गया? नहीं, उसके फ्रेंड लोग भी पता किए थे कि पेपर देने गया है कि नहीं गया है, क्यों ऐसे बोला, क्यों यहाँ नहीं आया। तो उस दिन तो कुछ हो नहीं सकता था, तो 18 को हम लोग राजीव नगर थाना में एप्लीकेशन दिए और 19 को FIR करवाए। पुलिस क्या बोली जब आप वहाँ पहुँचे तो? पुलिस तो क्लियर बोली कि कोई ज़रूरत नहीं है, लड़का है इसलिए ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, लड़की लड़का इसलिए ढूंढना ज़रूरी नहीं है, लड़की होती तो ढूंढते। फिर कभी किसी से बोलते कि पैसा लेके भाग गए, कभी किसी से बोलते कि मैथ का पेपर अच्छा नहीं है इसलिए भाग गए। ये मेरा बेटा ऐसा था नहीं, हम दोस्तों से भी पता किया तो पेपर उसका अच्छा गया है, और अपने दोस्त से यहाँ आने के लिए बोल के निकला था कि जा रहे घर ही जा रहे हैं, पापा मना किए मसौड़ी जाने के लिए, घर जाएंगे। उसके बाद पैसा कम था तो उससे किराया भी लिया अपने दोस्त से, तो अगर यहाँ नहीं आना होता तो किराया ही क्यों लेता। 23 तारीख को भी हम गए थे लास्ट बार थाने में, तो वहाँ बोले कि अगर ये किडनैपिंग का केस होता तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते, जो अपने आप को छुपा के रखा है उसको कैसे हम लोग ढूंढेंगे। उसके बाद तो कुछ की नहीं है। आपको क्या लगता है इस पर कोई शक किसी पर, या क्या हो सकता है उसके साथ, क्या लगता नहीं है कुछ आपको? हम नहीं बोल सकते इस बारे में, जो चीज़ पता ही नहीं उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं, पुलिस का काफ़ी शर्मनाक बयान, इनका आरोप है कि पुलिस के द्वारा दिया गया है कि और लड़का अपने घर से पैसे लेकर भाग गया होगा, लड़की होती तो हम ढूंढने जाते। हमारे साथ पिता हैं उनके। सर गए आप पुलिस के पास, काफ़ी इस तरह का पुलिस बयान दिया, उसके बाद आप क्या किए? कभी अपर अधिकारी के पास गए? जी, कहाँ गए थे? SSP के पास गए, SSP के पास गए, सांसद के पास गए, विधायक के पास गए, सभी लोगों ने फ़ोन किया थाने में और लोगों ने कहा कि आपका केस हम देखेंगे, केस और उनको हम बोले हैं थानेदार को करने के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई प्रगति हुई नहीं है।
थानेदार बोल रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैंक केस है, ब्लाइंड केस है। जब तक कोई क्लू नहीं मिलता हम क्या कर सकते हैं। कल भी बात हुई थी थानेदार साहब से, तो बोल रहे हैं कि हमको कुछ भी पता चलेगा तो हम बताएंगे, हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कोशिश कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं। क्या लगता है आपको पुलिस की प्रक्रिया अभी तक की कैसी रही? पुलिस की प्रक्रिया मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है इस मामले में, और ये लोग कोरोना के बोल रहे हैं कि हम लोग को दबाव है, सो हम लोग कोई खास नहीं कर पा रहे हैं, उनका खुद का भी कहना है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं तो हम लोग कुछ तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है अब कि मेरा बच्चा कहाँ है, कैसे है। उसका बैग मिला था एलसीटी घाट पे। ये कैसे पता चला कि उसका बैग एलसीटी? एक वहाँ के स्थानीय आदमी ने हमको खबर की थी। तो किस आधार पर? वो वहाँ फोन नंबर वगैरह या आई कार्ड? हाँ, उसमें आई कार्ड था। आई कार्ड था उसका, एक सेट कपड़ा था जो मसौढ़ी जाने के लिए वो लिया था, एडमिट कार्ड था उसी में, हम लोग का एड्रेस और फोन नंबर से ये बोल के गया था कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उधर से ही मसौढ़ी जाएंगे। हाँ, ये बोला था। तो हम लोग बोले कि नहीं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ रहते नहीं है, सिर्फ अकेले हम माँ बेटा यहाँ रहते हैं उसी की पढ़ाई के लिए। तो बोले कि जब अगर पापा यहाँ आए हुए तो तुम यहीं आ जाओ, यही बात हुई थी और कोई बात हुई नहीं। कितने बजे तक आपको ये लगा कि बेटा गायब है, गुमशुदा है, मसौढ़ी फ़ोन करके पूछे? हाँ, उसका फ़ोन बंद आया तो उसके दोस्त के पास फ़ोन किए थे, तो बोला हो सकता है कि आंटी किसी दोस्त के यहाँ रुक गया हो तो इसीलिए फ़ोन नहीं कर रहा होगा। तो उस दिन तो हम लोग इंतज़ार किए कि और कोई ऑप्शन भी नहीं था इंतज़ार करने के अलावा। जब 18 को सारे दोस्तों के पास पता किए, कुछ नई खबर मिला, तब जाके हम लोग यहाँ थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाए। कितने साल के का होगा? 17 साल का है। कैसा स्वभाव था उसका? स्वभाव बहुत शांत था, नहीं ज़्यादा डर। और किसी से लड़ाई झगड़ा करने वाला या किसी को उल्टा सीधा बोलने वाला लड़का नहीं था, और वो ज़्यादा लोगों से ज़्यादा मतलब ही नहीं रहता था। उसको दोस्तों से भी पता किया तो बोला कि नहीं, लड़का तो बहुत, वो किसी से लड़ाई नहीं किया आज तक। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा परेशान कर रही हैं। एसएसपी क्या बोले जब उनके पास? एसएसपी से मुलाकात नहीं हुई? नहीं जी, नहीं। किसी अपर अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई? उन लोगों ने फ़ोन ही नहीं उठाया और उनके ऑफिस गए तो उनसे मुलाकात नहीं। कुल मिलाकर पुलिस की जो अभी तक की कार्रवाई है काफ़ी निराशाजनक। बिल्कुल 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 कुछ भी कार्रवाई नहीं। आगे कहाँ तक जाएंगे आप? जहाँ तक हमको जाना होगा जाएंगे सर, जहाँ तक मेरी कुव्वत होगी मैं ज़रूर जाऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके आंसू साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एक तरफ जो कोरोना का दंश झेल रहे हैं ये लोग, और दूसरी तरफ बेटे के वियोग में माँ के आंसू सूखने को आए। लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली है वो काफ़ी शर्मनाक आरोप है इनका, कि पुलिस की कार्यशैली अभी तक का काफ़ी शर्मनाक है। अपर अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की इन्होंने लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। मामले की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज़ के लिए पटना से सहयोगी शुभम कुमार के साथ मैं तनुज मासूम। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।